हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो है वो है RSCET का पेपर 3 मार्च 2019 का। तो इस पूरे पेपर को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिए। और इस वीडियो को किस प्रकार PDF को किस प्रकार से डाउनलोड करना है और इसके आंसर आपको किस प्रकार से देखने हैं, तो इस पेपर में आंसर मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड करना बताएंगे। तो अभी आप कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से USB किसे कहते हैं? तो यूएसबी का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यूएसबी का जो पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ध्यान से, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो दोस्तों, एसिड प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं, ए फॉर ऑटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा रोम का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, PROM रोम वो भी एक रोम होती है। ERROM इस तरह का कोई भी रोम नहीं होती है। EPROM होता है और EEPROM भी होता है, लेकिन EROM से कोई भी रोम नहीं होती है। फ्लैश भी एक तरह की रोम ही होती है, जिससे कि हम रीड डेटा कर सकते हैं, मतलब रीड ओनली डेटा भी कर सकते हैं, लेकिन ERROM नाम से कोई भी रोम नहीं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, EEPROM, PROM और इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, तो इसका सही आंसर होगा इसमें बै। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े कि निम्न में से कौन सा निर्देश 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो अगर हम एस वर्ड में हमको कुछ फॉर्मेटिंग करना रहता है, तो उसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो ये इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में अगर आपको जो डिजाइन कॉपी करनी होती है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि मान लो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर आपने कर रखा है, तो अगर आप वो उसी को दूसरे पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी आपको यूज में लेना रहता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम। तो दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल ओपन होती है। लेकिन ध्यान रखें, पावर पॉइंट में जब हम नई स्लाइड बनाते हैं, मैं नई फाइल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर नई फाइल बनानी होती तो हमको कंट्रोल प्लस एन करना है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नई स्लाइड बनाना। तो नई स्लाइड का मतलब है नई स्लाइड, मतलब पहले से जो बनी हुई है उसमें अगर आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसका जो शॉर्टकट की होगा वो होगा कंट्रोल के साथ एम। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में कि प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ए, एप्लीकेशन लेयर। तो थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में बता देता हूं। देखो, फायरवॉल क्या होता है, एक तरह से अगर हिंदी में अर्थ लगाएं तो फायरवॉल का मतलब होता है आग की दीवार, मतलब फायरवॉल फिल्टरिंग। तो एक इस तरह की दीवार होती है जिससे कि आपका जो सही डेटा है न तो वो बाहर जाता है, और जो गलत तरीके का जो डेटा है ना ही वो आपके कंप्यूटर में आता है, मतलब उस दीवार से छनते हुए आता है। मतलब एक तरह से जांच होती है कि जो डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है वो किसी तरीके से आपके कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा और ना ही आपके कंप्यूटर को किसी तरह से हानि पहुंचा सकता है, और आपका जो प्राइवेट डेटा था वो किसी प्रकार से कंप्यूटर से बाहर नहीं जाए। तो इस तरह की सेफ्टी के लिए फायरवॉल फिल्टरिंग का उपयोग किया जाता है, और तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एमएस एक्सेस 2010 के क्विक सेलेक्ट में निम्न में कौन सा ऑप्शन होता है? तो आंसर होगा इसका द, मतलब ए और बे दोनों, मतलब कि सिलेक्शन भी होता है और टॉगल फिल्टर भी होता है। तो आज का जो आंसर होगा द, मतलब क्विक सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टॉगल फिल्टर भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो सिलेक्टेड डेटा चाहिए होता है वो आप यहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि सीडी डीवीडी में फाइल को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आपने काफी सुन रखा होगा सीडी बर्न करना, BURNING, बर्निंग। जब सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर जब हम डेटा को डाल रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं सीडी को बर्न करना, मतलब कि क्या होता है कि जो सीडी राइटर होता है, जो डीवीडी राइटर होता है, वो आपकी जो फाइल होती है, मतलब जो सीडी होती है, सीडी डीवीडी के अंदर जो पिट बने हुए आते हैं, उस पिट के अंदर जो खड्डे होते हैं उसको जला दिया जाता है। जलने का मतलब उसके ऊपर एक तरह से परत चढ़ा दी जाती है, और उस परत चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग कहा जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न करेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर आपका जो होगा ईमेल एड्रेस में, देखिए @ ये आपका डॉलर का साइन और ये इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल एड्रेस में जो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप यहां से समझ सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा इसमें ए, मतलब @, तो @ होना जरूरी होता है। जैसे www knowledge, जैसे अगर आप ईमेल आईडी बोलते हैं, जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी बताऊं knowledge_jaipur@gmail.com, अब आप बोलोगे कि डॉट क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों डॉट जो है वो आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट तो होता है, लेकिन वो करेक्टर की बात कर रहा है, तो डॉट तो आपका gmail.com मतलब सर्विस के साथ लगा हुआ है, तो विशेष मतलब जो है वो आपका @ इस चिन्ह से ही आपका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो आप समझ गए होंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जिसमें आप जो भी जो डेटा होता है वो आप कुछ लोगों के साथ जो कि आपके जो परिचित होते हैं उन लोगों के साथ ही आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई है या ब्लूटूथ है या इंफ्रारेड है, वो केवल आपका एक पर्सनल डेटा ही होता है। तो पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों ध्यान रखना है पैन के लिए अगर एक ऑप्शन परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि पैन का मतलब यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी भी होती है, ट्री टोपोलॉजी भी होती है और स्टार टोपोलॉजी भी होती है, लेकिन मून टोपोलॉजी नहीं होती है, तो इस तरह इस नाम से कोई भी टोपोलॉजी बनी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 तो निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकली डेटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, तो यहां से देख सकते हैं ये लेयर की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेयर है वो 7 लेयर होती है, PDNTSPA मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर और A फॉर एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से आपको याद रहना है PDNTSPA। तो ये आपको एक जो कौन सी लेयर की ये बात कर रहा है कि जिसमें फिजिकली डेटा भेजा जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका B, नेटवर्क एक्सेस लेयर में हम फिजिकली डेटा भेजने के बारे में जानकारी देते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर। क्वेश्चन नंबर 13 कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज क्या होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो होती है 1 GHz लेकर 50 GHz तक की इसकी रेंज होती है, 1 GHz से लेकर 50 GHz तक की इसकी रेंज होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि डोमेन नेम vomu.ac.in को IP एड्रेस 192.105.2432 में परिवर्तित किया जाता है, तो दोस्तों देखो आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं, देखो कोई भी जो डोमेन नेम होता है, जो भी एड्रेस होता है वो रियल में अंकों में होता है, लेकिन ये अंक हमको याद नहीं रह पाते, इसीलिए हम करेक्टर प्रकार का याद कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से वो कौन सी सर्विस होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका B DNS डोमेन नेम सर्विस। तो इस सर्विस के जरिए क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है, जो अंकों में जो IP एड्रेस होता है उसको करेक्टर प्रकार में बदल दिया जाता है, क्योंकि यही हमें याद रह पाता है। तो DNS याद रहे आपको, डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं और डोमेन नेम सिस्टम भी इसको कई बार कई जगह पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कि 8 byte के सिलेक्शन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 8 byte के सिलेक्शन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बाइट बोला गया है, तो 8 byte का जो कलेक्शन है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बोलोगे कि हमने तो सुना है, तो दोस्तों आप सुनिए, 8 bit बराबर 1 byte होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 8 byte के बराबर, तो इनमें से 8 byte के बराबर कुछ भी नहीं होता। हाँ 1024 byte होता तो हम उसको किलोबाइट कह सकते थे, और नहीं यहाँ पर 8 bit अगर होता तो भी हम उसको 1 byte कह देते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 8 byte। तो अगर इस पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ये पेपर आपको गलत करवा सकता है, एग्जामिनर ने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन दिया है जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो समझना है 8 bit के काइट को कलेक्शन को यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
हाँ 8 बिट होता तो हम बाइट कह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा लेवल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है। तो जो मेल आती है वो आपके इनबॉक्स में होती है, जो मेल हम भेजते हैं वो आपकी सेंड मेल में होती है, और जो मेल हमने भेजा नहीं है लेकिन हमने आगे के फ्यूचर के लिए रख रखा है वो ड्राफ्ट में आती है, और जो जंक मेल्स होती है या जो अनवांटेड ईमेल्स होती है, जो खराब ईमेल होती है, जो एडवर्टाइजमेंट की या सोशल मीडिया की होती है, अलग तरीके की, गलत तरीके की, वो स्पैम मेल कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका इनबॉक्स, आने वाली मेल किस में रहेगी इनबॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 कि ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में दोस्तों क्या होता है कि जब आप मेल करते हो, आप अपने दो दोस्तों को अगर मेल करते हो तो दोनों के पास जाएगा तो, लेकिन दोनों दोस्तों को ये नहीं पता लग जाएगा कि ये मेल किसी दूसरे को भी भेजा गया है। तो दोस्तों समझ गए होंगे BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है। तो ताकतवर पासवर्ड वो होता है जिसके अंदर करेक्टर भी हो, स्मॉल कैपिटल भी हो, सिंबल्स भी हो और न्यूमेरिक्स भी हो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे कि RCIT और एक यहाँ पे देख सकते हैं अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड VMU। तो दोस्तों ये सब छोटे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इसका जो आंसर है VMU@2017 ये आपका सबसे ताकतवर पासवर्ड इसलिए है क्योंकि ये लगभग आपका 8 करेक्टर से ज्यादा का है, पहला अक्षर कैपिटल में लिया हुआ है, इसमें सिंबल्स भी यूज में लिए है और न्यूमेरिक भी यूज में लिया हुआ है, इसीलिए सबसे ताकतवर पासवर्ड ये माना जाएगा। तो दोस्तों मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम के माध्यम से आज आपको RCET का जो पेपर है 3 मार्च 2019 का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप जयपुर में या जयपुर के आसपास में कहीं रहते हैं तो आप घर बैठे RCET में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और आपका बिल्कुल आपको कहीं भी सेंटर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑनलाइन माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और नंबर मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स 7976271752 पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपका घर बैठे एडमिशन हो जाएगा और आपकी एग्जाम जयपुर में लग जाएगी। तो जयपुर के आसपास में अगर आप कहीं रहते हैं और जयपुर में एग्जाम देने में सक्षम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। तो डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है उसको हम नापते हैं बिट पर सेकेंड, BPS में, बिट पर सेकेंड में इसको नापा जाता है। तो दोस्तों अब आप बोलोगे हर्ट्ज, तो दोस्तों हर्ट्ज जो होती है आपकी प्रोसेसर की स्पीड होती है, और डॉट पर इंच ये आपकी प्रिंटर की स्पीड होती है, और वॉट ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बिट पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज को खड़ा करके देखना और आड़ा करके देखना जो पेपर होता है वो उसका होता है, मतलब ऊर्ध्वाकार और क्षितिजाकार। तो आंसर होगा इसका पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 कि विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है। देखिए दोस्तों विंडोज 10 में जब हम एक साथ काफी सारी जो विंडोज हमारी जो होती है उसको अगर हम एक साथ अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आंसर आपको दबाना होता है विंडो की के साथ में डी बटन, अगर आप जब दबाते हैं विंडो की के साथ में जब आप डी की प्रेस करते हैं तो जितनी भी जो खुली हुई विंडो होती है वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों आप यह समझ सकते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऑडियो डेटा को इनपुट के रूप में। तो दोस्तों जो अगर हम डेटा को अगर हम इनपुट के रूप में देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन, मतलब कि जिसके जरिए हम हमारी आवाज को कंप्यूटर में डाल सके। तो इसमें से देखो स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है, वाईफाई नेटवर्क का डिवाइस होता है, वॉल्यूम कंट्रोल तो एक यूटिलिटी है, मतलब एक फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या पूछा गया, इनपुट हार्डवेयर के बारे में जब ये पूछ रहा है
तो इसका जो आंसर होगा माइक्रोफोन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो फाइंड का मतलब होता है कि आप किसी करेक्टर को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होम, होम मेनू के अंदर होता है फाइंड ऑप्शन, जहां से हम किसी भी करेक्टर को, डिजिट को, पेज को या कोई भी बुकमार्क वाटरमार्क को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होम के अंदर फाइंड का ऑप्शन होता है और रिप्लेस भी उसी के साथ में होता है, और कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कि एमएस एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 में फाइल को क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, तो आपको दोस्तों पता होगा कि एक्सटेंशन नेम आपका जो है वो अलग अलग है, क्योंकि 2003 में XLS था, मतलब आंसर इसका सही है। फिर 2007 और 2010 में है, उसका जो एक्सटेंशन नेम है XLSX, मतलब कि X जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, इस X का मतलब होता है एक्सटेंसिबल और शॉर्ट में इसको लिखा गया जाता है X। तो 2003 में XLS था, 2007 में XLSX था और उसके बाद 2010 में भी XLSX है। क्वेश्चन नंबर 25 कि कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर हम लगाते हैं तो उसको ऑपरेट कंट्रोल करने के लिए हमको उसमें एक ड्राइवर डालना पड़ता है, जिसकी एक छोटी सीडी भी आती है। तो जो सीडी आती है उसी के अंदर क्या होता है, उसका डिवाइस का ड्राइवर आता है और उसी के जरिए हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रिंटर डाल रहे हो तो प्रिंटर की सीडी आती है, इसके अंदर अगर आप कंप्यूटर से अटैच करना चाहते हो तो एक सीडी के जरिए, मतलब एक रोम के जरिए उसमें आप ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ही उस इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होता है उसको आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो आंसर होगा इसका डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस एवं संभव रास्ते की सूचना रखती है? तो दोस्तों इसमें आप समझ गए होंगे कि जो इसकी जो केबल होती है उसको बोला जाता है राउंडिंग टेबल। तो राउंडिंग जो टेबल होती है, सॉरी एक मैं इसमें थोड़ा सा कुछ गलत है, यहाँ पे इसमें पूछा कि कौन सी टेबल नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे टेबल नहीं है, ये केबल नेटवर्क है, थोड़ा बाय मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे केबल नेटवर्क की बात हो रही थी। तो केबल नेटवर्क यहाँ पे है राउटिंग टेबल, राउटिंग केबल जो होती है उसके जरिए आप सूचना रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? देखिए दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जो डेटा आपका ऑनलाइन रखा जाता है, इंटरनेट पर जो रखा जाता है उसे क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। तो देखिए आप दोस्तों समझ सकते हैं कि गूगल ड्राइव और जो ड्रॉपबॉक्स है ये आपका ऑनलाइन ही डेटा को सेव रखते हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क है, जो आपकी हार्ड ड्राइव है, ये आपके कंप्यूटर में ही डेटा को रखती है और इसमें जो डेटा होता है वो नेटवर्क पर नहीं होता, मतलब कि इंटरनेट पर नहीं होता, आपके कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्ड ड्राइव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कि वह मल्टीपल टास्क प्रोसेस जो सीपीयू की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयवों का उपयोग करते हैं, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है मल्टीपल टास्किंग की। तो जो मल्टीपल टास्किंग का जो यहाँ पर मतलब है कि जहाँ पे एक से अधिक कार्य एक साथ होते हों तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टी टास्किंग। एक से अधिक कार्य को एक साथ करने को क्या बोला जाता है, मल्टी टास्किंग। जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं मल्टीपल टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सीपीयू एक साथ बहुत सारे काम करता है उसे मल्टी टास्किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अरे यहाँ पे तो ये गलत है, यहाँ पे तो फॉर्मेट दिया हुआ ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर फाइल कर दिया गया है। एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका सही आंसर होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, लेकिन यहाँ तो फॉर्मेट है ही नहीं, तो सही आंसर क्या होगा इसका, द। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि शायद ये गलत मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन दोस्तों जानबूझ के ऐसा किया गया है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का मतलब आप समझते होंगे, जो फाइल अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो भी पीडीएफ है, जिसमें भी कोई एडिट नहीं होता है। तो पीडीएफ क्यों बनाई जाती है, क्योंकि देखो वर्ड की जो फाइल में जो फॉन्ट यूज में ले जाते हैं, जरूरी नहीं है वो आपके कंप्यूटर में भी वही फाइल का फॉर्मेट हो या वो इसी तरह के फॉन्ट हो, लेकिन जो पीडीएफ होती है वो इस तरह की फाइल होती है जिसके अंदर आप आसानी से कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, ब्राउजर पर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो ब्राउजर्स होते हैं वो आपको पीडीएफ को सपोर्ट करते हैं और पीडीएफ में आपके फॉन्ट का चेंज होने का डर भी नहीं होता और आसानी से डेटा एडिट भी नहीं हो पाता है। तो समझ गए होंगे पीडीएफ का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
क्वेश्चन नंबर 30 कि एक फोल्डर है जो आपके द्वारा गए हटाए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण को प्रदान करता है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन क्या होता है? एक तरह से आपका कचरा पात्र होता है, जहाँ पे आप जो भी गार्बेज वैल्यू जो होती है, जो भी फाइल व फोल्डर आप डिलीट करते हैं, वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। और एक दोस्तों ध्यान रखें, रिसाइकल बिन से तो डेटा को वापस से रिस्टोर भी किया जा सकता है। अगर आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जाती है, और अगर कंट्रोल के साथ डिलीट, शिफ्ट के साथ डिलीट अगर आप दबा देते हैं तो डेटा रिसाइकल बिन में गए बिना डायरेक्ट बाहर चला जाता है। तो दोस्तों रिसाइकल बिन आंसर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे डैश का उपयोग एक साइट से दूसरी साइट पर या एक नेटवर्क व इंटरनेटवर्क लोकेशन में जाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आंसर समझ गए होंगे, हाइपरलिंक। जब हम किसी जगह पे जब हम क्लिक करते हैं तो अगर हम दूसरी जगह अगर पहुंच जाएं, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक हाइपरलिंक बना हुआ था, वो मैं भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। हाइपरलिंक में होता है जैसे कि यहाँ पे वो क्वेश्चन आप दोबारा से देख लें एक बार कि अगर आपको अलाउ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखिए अभी मैंने जैसे अलाउ किया तो आपका जो वेबसाइट का जो पेज होगा वो आपका दूसरा जो फाइल होगी ये आपकी ओपन हो जाएगी। तो एक साइट से दूसरी साइट पर या एक नेटवर्क से दूसरी इंटरनेटवर्क लोकेशन पर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक का। जैसे कि मैंने अभी जो अपना जो ब्लॉग है knowledgesystemjaipur.blogspot.com पे जो मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो वो भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे कि एड्रेस अगर आप देख लें, और एड्रेस दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, एड्रेस को मैं विजिट करवा देता हूँ। देखिए knowledgesystemjaipur.blogspot.com पर आपको जाना है, और उसके बाद आपको नीचे आके स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर आना है, और स्क्रॉल करने के बाद जब आपको यहाँ पे दिखाई देगा RSCIT क्वेश्चन पेपर पे आपको क्लिक करना है, और क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब तक 2013 से लेकर अब तक के जितने भी जो पेपर हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, और इन पेपर्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर जो है वो आपके डाउनलोड हो रहे हैं। तो ये जितनी देर में डाउनलोड होंगे इतनी देर में मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटी के मध्य होता है? तो जब केवल दो ही एंटिटी होती है तो कौन सा होता है? दो एंटिटी तो दोनों सभी में होती है दोस्तों, एक वन टू वन में भी होती है, वन टू मैनी में भी होती है, और मैनी टू मैनी में भी, कम से कम दो एंटिटी तो सभी में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? द, उपरोक्त में सभी। ध्यान रखें दोस्तों उपरोक्त में से सभी, क्योंकि दोनों एंटिटी तो सभी में ही होती है। प्राइमरी कुंजी में वैल्यू होती है, देखो प्राइमरी की का मतलब होता है जिसमें डेटा न तो डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब कि दोहरान नहीं होता, उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस तरह की दोनों बातें जो है वो कहाँ होती है आपकी? प्राइमरी की, मतलब उसकी DBMS में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिक वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती दोस्तों, मैंने भी बताया आपको। अगर इसको फीड करके देखें तो प्राइमरी कुंजी में डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया प्राइमरी की तो वो होती है जो कि यूनिक होती है, जिसमें कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि रोल नंबर जो होता है ना वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको प्राइमरी की कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए पेपर अभी देर में डाउनलोड हो गए हैं, तो यहाँ से भी जो पेपर है वो इन पेपर्स के ऊपर अब जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि जो अभी आप जो पेपर देख रहे हो वो 3 मार्च 2019 का जो पेपर है, वो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेपर है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो गूगल ड्राइव पर ये पेपर होने के बाद इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करने के बाद इस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए अभी पेपर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो गूगल ड्राइव पर पूरे पेपर आपको मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप जयपुर के आसपास में कहीं रहते हैं, रास्ते जयपुर में अगर आप एग्जाम दे सकते हैं तो आप घर बैठे RSCIT में एडमिशन ले सकते हैं, आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, कल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने मेरे नंबर लिख दिए हैं 7976271752 पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो घर बैठे आपका बहुत ही न्यूनतम फीस में आपका RSCIT में एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे कि निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल में नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा चार्ट नहीं होता है, तो दोस्तों पाई चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, लेकिन लेजेंड चार्ट के नाम से ऐसा कोई चार्ट होता ही नहीं है, तो लेजेंड चार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द। क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें
एक बार मैं पेपर दिखाता हूँ। देखो अभी पेपर जो है वो आप यहाँ ने जिसके पेपर की हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर को डाउनलोड आप कर लोगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हम बात करें कि एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ छोटा अक्षर कहलाता है। तो देखिए जो ऊपर जैसे कि हम लिखते हैं ना, इसका आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में जो जो दो होता है एक्स के ऊपर लगा हुआ वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। जो आधार लाइन है, जैसे कि ये सीधी लाइन है, जैसे कि आप ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया जाए दो या तीन, जैसे कि ऐसे स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो दो होता है ना वो आपको ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट। और जो आधार लाइन से नीचे की तरफ होता है उसको क्या बोला जाता है, सब स्क्रिप्ट। तो दोस्तों आज का जो पेपर है आप समझ गए होंगे कि 3 मार्च 2019 का पेपर है, एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसी में से प्रश्न आपके आते हैं, और अगर आप जयपुर के आसपास के हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7976271752 पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपका घर बैठे आरएससीएडी में एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह से आप कंटिन्यू मेरे चैनल को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, जिससे कि आपको अगला पेपर भी जल्दी से जल्दी आपको पूरे पेपर ये सोल्व करके बताए जाएंगे, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया था। तो आरएससीएटी के अब तक के जितने भी जो पेपर हैं, मतलब 2013 से लेकर 2020 और 21 तक के जो पेपर हैं, वो सारे पेपर आपसे हल करवाए जाएंगे और उसके आंसर सॉल्यूशन बताए जाएंगे, और फिर आप एग्जाम में किसी भी तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।